नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया से आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। आइए जानते हैं क्या रहा मकसद। अभी आजाद समाज पार्टी का दिल्ली में रैली है, क्या कार्यक्रम है पूरा? दिल्ली में महाआंदोलन है। अच्छा, महाआंदोलन किस तारीख को है? कल 11 तारीख। 11 तारीख को कितने लोग गाजीपुर से जा रहे हैं? गाजीपुर से लगभग 1000 से 1500 लोग रहे हैं। क्या क्या मांग रहेगा, किस लिए आंदोलन किया जा रहा है? जो वंचित वर्ग है, TW10% जो वो लागू किया जाए, जो SC ST OBC में जो वंचित वर्ग है उनको अलग से, जैसे 10% उनको मिला है उस तरह एक अलग यह, और जो क्रिमिनल है लागू किया गया था उसको सुरक्षित नवी सूची में डालने की बात रहेगी। और क्या मांग है? मुख्य रूप से पहले तो हमारा वही मांग पूरा कर दे, और जो 10% EW10 ES जो OBC ST को मिलना चाहिए, जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी सुरक्षित कर देना चाहिए कि वो भी जो है जो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं तो उनको उसका लाभ दिया जाए। मांग नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? आंदोलन हो रहा है, ये दूसरा चरण है। पहला चरण था 21 तारीख को, ये दूसरा चरण है। फिर तीसरा चरण में बहुत बढ़िया बड़े पैमाने पर पूरे भारत के लोग दिल्ली आ रहे हैं, फिर भारत बंद करने का आह्वान हो सकता है अगर काम कहीं ना कहीं। जो दिल्ली का ये आंदोलन है, यह एक 2027 का चुनाव का भी रणनीति इसी से तय किया जाएगा। देखिए, ये इसे राजनीति मुद्दा नहीं है, वहाँ पर वो तय नहीं किया गया 2027, क्योंकि ये दिल्ली में पूरे भारत का है, पूरे 2027 UP की राजनीति है ना, तो वो तो बाद में तय किया जाएगा उसमें क्या होगा।